अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुरीद हुसैन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो भैया, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूं कि जो नए यूजर्स हैं, जो यूट्यूब पे आने का सोच रहे हैं या यूट्यूब चैनल बना लिया और चैनल बनाने के बाद उनको काफ़ी सारे इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप मेरी एक भी बात पिक करते हैं तो आपका काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा अल्लाह ताला का, जिन्होंने मेरी हेल्प करी हर मोड़ पे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मेरे वालिदैन और बड़े भाई का, जिन्होंने मुझे हर मोड़ पे सपोर्ट किया, मेरे लिए दुआएं की। और उसके बाद आप लोगों का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरी हेल्प करी, और आप लोगों की हेल्प और दुआओं की वजह से मैंने आज गूगल एडसेंस पिन जो है वो रिसीव कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज़ अ गिफ्ट, जो जानते हैं वो जानते हैं ये गिफ्ट ही है। इधर तक आना बहुत बड़ी बात होती है, आपको काफ़ी मुश्किलात और काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ता है, क्योंकि ये गूगल यूट्यूब का लास्ट स्टेप होता है। इसके बाद आप जो है यूट्यूब पे परमानेंट हो जाते हैं, यानी कि इसके बाद आप बिना किसी हेजिटेशन के अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिना किसी हेजिटेशन के वीडियो अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि इधर यार जो नए यूज़र्स होते हैं उनको यहाँ तक आने के लिए काफ़ी जो इशू हैं उनका सामना करना पड़ता है, और जो काफ़ी क्रिटिकल इशू होते हैं, तो मुझे भी यार काफ़ी सारे इश्यूज़ का सामना करना पड़ा। तो इधर आप अभी सोच रहे होंगे कि आपके पास ये दो गूगल एडसेंस पिन क्या कर रहे हैं और किस तरह आपने रिसीव किए, तो अभी आगे चल के मैं आपके साथ पूरी स्टोरी शेयर करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप किसी भी फील्ड में एंटर होना चाहते हैं, चाहे वो यूट्यूब है या कोई और बिजनेस साइट है, फ्रीलांसिंग है, तो अगर आपकी नीयत साफ है और दूसरा ये कि अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं, तो आपको जो रिवॉर्ड है उसका ज़रूर मिलेगा। अल्लाह ऐसा नहीं करते कि आप मेहनत करें और आपको रिवॉर्ड ना मिले, इस तरह हो ही नहीं सकता। अगर आप मेहनत करते हैं, साफ नीयत रख के, आपको उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ तक पहुँचा मेहनत से, आप लोगों की दुआओं से, अल्लाह की मदद से, अपने वालदैन की दुआओं से मैं यहाँ तक पहुँचा। और ये बहुत बड़ा गोल है, जब आप अचीव करेंगे तो जो खुशी होती है ना, जो बंदा अचीव करता है बस वो ही जानता है। जब आप में से कोई न्यू यूज़र एडसेंस पिन जो है वो रिसीव करेगा, तो मेरे साथ शेयर करिएगा इस वीडियो में आके कमेंट में कि आपकी क्या खुशी है। तो फर्दर मैं आपके साथ इधर कुछ आपके साथ बातें शेयर करूंगा जो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। अगर आप YouTube पे आने का सोच रहे हैं या किसी और फील्ड में जाने का सोच रहे हैं, तो सबसे पहले यार आप उसके बारे में नॉलेज लें कि इसमें कौन कौन से स्टेप हैं, कौन कौन से स्टेप से गुजरना पड़ता है, क्या क्या इसका क्राइटेरिया है, क्या उसकी मतलब के जो स्पेसिफिकेशन है वो है, आप सब उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करें, फिर उस फील्ड में एंटर हो। इधर यूट्यूब है, उधर आप समझते हैं कि बस वीडियो डाल दी, काम हो गया, पैसे आ गए, नहीं। लेकिन इधर जो इनका क्राइटेरिया है एडसेंस है, उधर काफ़ी सारे आपको इशू हैं जो सामना करना पड़ता है। आपको कभी मोनेटाइजेशन जो उसके लिए एलिजिबल नहीं होते, जो मतलब के पेमेंट रिसीव करने का मेथड है वो आपको नहीं पता, जो पिन मंगवाने का मेथड है वो किसी लोगों को नहीं पता। तो इधर यूट्यूब पे यार मैं आपको लिटरली साफ साफ कह रहा हूँ, इधर जो बंदे वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब के रिलेटेड, उनमें से 90% ऐसे बनते हैं जो 90 मतलब के आपको ईमेल और इंस्टाग्राम पे रिप्लाई नहीं करते, उनके पास यहाँ टाइम नहीं होता, या आई डोंट नो जानबूझ के नहीं करते। तो 10% ऐसे बंदे जो आपकी मदद करते हैं, आपको रिप्लाई करते हैं, आंसर करते हैं, तो उनमें से दो बंदे कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मेरी मदद की, और अभी भी मैं जब भी व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करता हूँ तो वो आंसर कर देते हैं। किसी तरह का भी आंसर मतलब कि मेरा क्वेश्चन हो, वो मेरी हेल्प आउट ज़रूर करते हैं, मुझे गाइड करते हैं, और मैं उनका भी शुक्र अदा करना चाहूँगा और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अगली वीडियो में मैं उनको मेंशन करूँगा। तो मेरा कहने का मतलब है यार, किसी फील्ड में एंटर होने से पहले आप कोई ऐसा लीडर पकड़ें जो आपको मुकम्मल तौर पर गाइड करे, आपकी मदद करने के लिए तैयार हो, बिना किसी मतलब के जो लीडर है, बिना किसी लीडर के आप किसी भी डिपार्टमेंट में एंटर ना हो। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, और मैं आपको बता दूँ मेरे अकाउंट को दूसरी ज़िंदगी मिली है। एक स्टेप पे जो मेरा अकाउंट है वो टोटली तौर पे डिस्ट्रॉय हो गया था, मैं एलिजिबल नहीं था,
मोनेटाइजेशन के लिए। लेकिन फिर मैंने एक ऐसी वीडियो देखी, मतलब एक बंदे ने अपलोड की हुई थी, जिसकी वजह से मेरा जो अकाउंट है वो बच गया, लेकिन अभी वो वीडियो यूट्यूब पे नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप अच्छा लीडर पकड़ें और जिस फील्ड में एंटर होना चाहते हैं आप पूरी उसकी इंफॉर्मेशन लें, क्राइटेरिया समझें, जो जो उसके स्टेप हैं उनको समझें, फिर उस फील्ड में एंटर हो और नियत साफ रख के हार्डवर्क करें और आपको उसका रिवार्ड जो है वो ज़रूर मिलेगा। तो मैं अभी यार सोच रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट जो है 3-4 वीडियो ऐसी बनाऊँ जो कि आपको मुकम्मल तौर पे एडसेंस की सेटिंग है वो समझ आ जाए, किस तरह एडसेंस का पिन आपने रिसीव करना है, किस तरह जो उसका एड्रेस है वो आपने उधर सबमिट करवाना है। एड्रेस का काफ़ी इशू होता है, नेम का काफ़ी इशू होता है, तो मैं मुकम्मल तौर पे आपको गाइड करूँगा ताकि आपकी जो मदद, मतलब कि मैं आपकी मदद कर सकूँ, आपको गाइड कर सकूँ। जो न्यू यूज़र्स हैं उनको काफ़ी इश्यूज का यार सामना करना पड़ता है, मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ। तो अभी मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ये जो दो एडसेंस पिन है वो किस तरह आए। फर्स्ट जो मैंने रिक्वेस्ट थी वो आई थिंक अप्रैल में अप्लाई किया था, ठीक है, 13 अप्रैल को, 3 माह हो गए, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, ना मेल आती, आपको डायरेक्ट जो है वो पिन रिसीव होता है, मुझे पिन रिसीव नहीं हुआ। मैंने काफ़ी जो पोस्ट ऑफिस है उसके चक्कर काटे, पोस्टमैन के घर के चक्कर काटे, लेकिन कुछ भी मुझे हासिल नहीं हुआ। उसके बाद मैंने सोचा यार क्यों ना मैं दूसरी दफ़ा अप्लाई करूं। तो अभी 30 जुलाई को मैंने अप्लाई किया तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 1 माह बाद मुझे दोनों पिन जो हैं वो रिसीव हो गए। अभी आप ये देख सकते हैं ये जो पुराना पिन है वो अभी ये सील पैक है, ठीक है, मैंने इसको ओपन नहीं किया, और ये जो पिन है ये नए वाला, इसको मैंने ओपन कर लिया है, तो ये मैंने उधर सबमिट करवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह जो मुझे पिन है वो दोनों रिसीव हो गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम बन गया। तो इसीलिए मैं आपको यार गाइड करना चाहता हूँ, मैं इस तरह की और वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको भी फ़ायदा और मुझे भी खुशी हो और आपकी मदद हो सके। मैं आपको मुकम्मल तौर पे गाइड करूंगा। कुछ बंदे इस तरह के होते हैं, मतलब कि गांव में रह रहे होते हैं, एड्रेस का इशू होता है, कुछ बंदों मतलब कि जो गाँव में रह रहे होते हैं, मोस्टली गाँव का जो पोस्ट ऑफिस है वो काफ़ी दूर होता है या होता ही नहीं है। तो इस तरह मैं आपकी काफ़ी हेल्प आउट करूँगा और काफ़ी सारे आपके जो इशू पेश आते हैं या आपको आएंगे आपको ज़रूर गाइड करूँगा। चाहे मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें या ईमेल करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, 99% मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो एंड करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लें, ये नीचे जो यूज़र नेम है वो आ रहा होगा, तो मुझे प्लीज़ फॉलो कर लें। और I will try my best to understand about AdSense, मैं AdSense और YouTube के related आपको पूरी information दूंगा। और sorry थोड़ी सी video lengthy हो गई, so it was off on my side. Thank you, take care.